Hello friends, welcome back to the class of NPC. My name is Trupti and today we will discuss application of junction diode as a rectifier. Okay. Junction diode in the sense PN junction diode. इन अगर लास्ट वीडियो हमने सीखा था कि जंक्शन डायोड पी एन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है एंड फॉरवर्ड बाइज एंड रिवर्स बाइज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ओके आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा और उस लेक्चर के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे ओके okay? अगर नहीं देखा है देन इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है आप वहाँ जाकर लास्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं ओके सो एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अरेक्टिव फायर तो इनिशियली uh, होता क्या है कि अगर आपने देखा होगा कि आपके घर या ऑफिस में जो वोल्टेज आता है जो लाइट आती है जो करंट आता है दैट इज़ द ए सी ओके ए सी वोल्टेज आप सभी के घरों में सप्लाई होता है बट मोर ऑफ द डिवाइसेस आर नॉट वर्किंग ऑन द ए सी वोल्टेज ठीक है मैक्सिमम जो डिवाइसेस है वो तो ऐसी वोल्टेज पर वर्क करेगी बट कुछ डिवाइसेस ऐसी वोल्टेज पर वर्क नहीं कर सकती जैसा कि आपका मोबाइल का चार्जर हो गया ओके okay, अब चार्जर अगर ए मोड पर या ए वोल्टेज लेगा तो चार्जिंग होगा डिस्चार्ज होगा क्योंकि ए का जो फॉर्मेशन है ठीक है ए का जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से वेव के फॉर्म में होता है ठीक है चार्ज चार्ज फिर डिस्चार्ज चार्ज फिर डिस्चार्ज तो ये जो प्रॉब्लम आई है एसी सोर्स में डीसी सोर्स में कैसे कन्वर्ट करें हम एसी टू डीसी। ओके सो सिंपली एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक सर्किट बनाया गया जिसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर। ओके एंड द प्रोसेस विल बी नोन एज रेक्टिफिकेशन। ठीक है okay. ये जो सर्किट आपने बनाया है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम जो डिवाइस या जो सर्किट करता है दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन आई होप क्लियर है नाउ रेक्टिफायर आर ऑफ टू टाइप्स हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाफ वेव रेक्टिफायर एंड देन विल डिस्कस फुल वेव रेक्टिफायर सो इन केस ऑफ हाफ़ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर में आप इस डायग्राम में देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्राइमरी सेक्शन होता है और सेकेंडरी सेक्शन होता है प्राइमरी सेक्शन में आप इनपुट देते हैं क्या देते हैं आप इनपुट देते हैं इन द एसी वोल्टेज ठीक है और एसी वोल्टेज जो जनरली आपके घर में ऑफिस में आता है दैट इज़ अबाउट द टू ट्वेंटी वोल्ट ओके अब आपको आपका एम है ए को डी में कन्वर्ट करना तो ए को डी में कन्वर्ट करने के लिए आप रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं और रेक्टिफायर में क्या यूज़ होगा पी एन जंक्शन तो पी एन जंक्शन का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए पी एन जंक्शन के अक्रॉस अगर आपने बैटरी लगाई है या बैटरी के थ्रू जो वोल्टेज आप सप्लाई करते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा पी देन इट विल बी द फॉरवर्ड बाइसिंग एंड इन फॉरवर्ड बाइसिंग देर विल बी करंट फ्लोइंग थ्रू इन द सर्किट ओके मीन्स अगर आप एक वोल्टेज को या एक इनपुट वोल्टेज को इनपुट बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल को पी से ठीक है पी से मीन्स पी जंक्शन सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करते हैं देन देन आपका जो सर्किट है इट इज़ इन द फॉरवर्ड वाइज ये फॉरवर्ड वाइज में होगा और करंट को अलाउ करेगा करंट को फ्लो करेगा फ्लो होने देगा और रिवर्स वाइसिंग में करंट फ्लो नहीं होता है ओके करंट फ्लो नहीं होता है केस ऑफ रिवर्स वाइसिंग ओके रिवर्स वाइसिंग में क्या होता है पी टर्मिनल नेगेटिव सॉरी पी जंक्शन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है एंड एन टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा ओके okay, मतलब वाइस वर्षा होगा नाउ हमने क्या बोला है कि हम ए आपका जो भी इनपुट है ए आया ये प्राइमरी सेक्शन दैट इज़ इन द इनपुट सेक्शन ठीक है प्राइमरी सेक्शन को हमने इनपुट सेक्शन बोला है और सेकेंडरी सेक्शन को हमने आउटपुट सेक्शन बोला है तो प्राइमरी सेक्शन में आपका इनपुट गया अब प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आपने ट्रांसफार्मर लगाया है ट्रांसफार्मर क्या करता है ये वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है ठीक है जैसे कि आपके पास आ रहा है टू ट्वेंटी वोल्ट अब इतने वोल्ट पे आपके जो अप्लायंसेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या वर्क नहीं करेंगे तो अप्लायंस को सफिशियंट वोल्टेज ठीक है सफिशियंट या कंट्रोल्ड वोल्टेज के लिए हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया ट्रांसफॉर्मर क्या करता है वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है ठीक है जो आपको वोल्टेज चाहिए वो दे सकता है तो so, ट्रांसफार्मर के थ्रू हम इस सेकेंडरी सेक्शन में आए सेकेंडरी सेक्शन में अब अगर आपका ये जो पॉइंट ए है ठीक है पॉइंट ए पॉजिटिव है पॉजिटिव टर्मिनल है इन द सेंस पी जंक्शन पॉजिटिव से कनेक्ट है यहाँ पर देखिए ए पॉजिटिव से कनेक्ट है ओके सो पॉजिटिव पी से कनेक्ट है और ये होगा आपका फॉरवर्ड वाइज और फॉरवर्ड वाइज में क्या होगा करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होगा इन द सेंस आपका जो लोड रेजिस्टेंस है इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा आपका जो ओम्स स्लो है वी इज इक्वस टू आई आर अगर करंट है देन वोल्टेज भी हंड्रेड परसेंट होगा ठीक है वी इज इक्वस टू आई आर के थ्रू अगर करंट जनरेट हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है देन वोल्टेज भी हंड्रेड परसेंट इस सर्किट में ड्रॉप होगा सो वोल्टेज ड्रॉप होगा इन बिटवीन एक्स वाई पोर्शन एंड अक्रॉस द आर एल आर एल इज़ द लोड रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस का भी काम क्या होता है जो भी आपका वोल्टेज आ रहा है डीसी वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज उसको कंट्रोल करता है जो आपको चाहिए उस पोजिशन में या उस वैल्यू में आपको वोल्टेज प्रोवाइड करता है ओके okay. ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये आपके सर्किट को डिस्ट्रॉय होने से भी बचाता है ओके okay. तो अच्छा आपका फॉरवर्ड बाइज़ में मिल गया करण अब हमने क्या किया अब हमने किया कि जो ए पॉइंट है उसे हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया ठीक है मीन्स यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है ये नेगेटिव पॉइंट हो गया ठीक है नेगेटिव पी से कनेक्ट है पी जंक्शन से मीन्स पॉजिटिव से कनेक्ट है इन द सेंस आपका जो सर्किट है वो रिवर्स वाइज में और रिवर्स वाइज में तो करंट फ्लो होता ही नहीं है क्योंकि आपकी जो डेप्लेशन लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्रीजमेंट होता है इसीलिए करंट फ्लो नहीं होता है करंट फ्लो नहीं होगा देन वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा जीरो हो? ठीक है मीन्स रिवर्स वाइज में तो वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा तो होता ये है कि ये जो रैक्टिफायर है रैक्टिफायर ये सर्किट के थ्रू जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिला आउटपुट डीसी वोल्टेज मिला वो इस वेव फॉर्म के थ्रू की तरह प्रेजेंट किया गया ठीक है तो हमने क्या किया ये जो आपका वेव फॉर्म है दैट इज़ द इनपुट ए सी इनपुट आपने दिया ठीक है ये पॉजिटिव एंड अगेन नेगेटिव क्योंकि जो ये वाला जो पोर्शन है ये फर्स्ट वाला है आपका जब ये ए पॉइंट पॉजिटिव से कनेक्ट है बी नेगेटिव से कनेक्ट है अब बी को आपने क्या किया नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो ए नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव तो ये आपका इनपुट इस तरह से वेव के फॉर्म में चल रहा है अब आउटपुट क्या होगा तो फॉरवर्ड वाइज में तो आपको करंट मिला मीन्स आपका जो वेव है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा बट रिवर्स वाइज में जीरो मिला वोल्टेज तो वोल्टेज नहीं मिला फिर अगेन फॉरवर्ड वाइज हुआ सो so अगेन आपको यहाँ आउटपुट वोल्टेज मिला बट रिवर्स वाइज में अगेन वोल्टेज नहीं मिला तो इस तरह से हाफ वेव्स मिली आपको ठीक है जैसे कि ये जो फुल वेव किसे बोलते हैं जीरो से स्टार्ट हुए और ये वाला जो सेक्शन है इसे पाई बोलते हैं इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे टू पाई टू पाई तो जब आपकी कोई वेव जीरो टू टू पाई डिस्टेंस कवर करे दैट इज कॉल्ड फुल वेव आपने कवर किया है बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दिस इज द हाफ साइकिल ठीक है ये आपने हाफ साइकिल कवर किया है ये तो ज़ीरो है ठीक है ये आप ये जो हाफ साइकिल है ये कवर नहीं हुआ है इसमें ओके okay, सो so इसीलिए इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर ओके क्या बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर अब हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर ओके फुल वेव रेक्टिफायर सो फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ़ वेव रेक्टिफायर में बस थोड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ टू डायोड यूज़ किए जाते हैं ठीक है हम फुल वेव रेक्टिफायर में टू डायोड यूज़ कर रहे हैं और सेम प्रोसेस वही होगी आपकी ये है आपका प्राइमरी सेक्शन दिस डिपार्टमेंट इज सेकेंडरी सेक्शन एंड प्राइमरी सेक्शन के थ्रू आप इनपुट देते हैं और प्राइमरी सेक्शन एंड सेकेंडरी सेक्शन कनेक्ट होते हैं विद द ट्रांसफार्मर ओके ट्रांसफार्मर की हेल्प से आप वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं ओके अब इसका जो मेन प्रोसेस है मैं वो बता दूँ आपको कि जब आपका पॉइंट ए ठीक है ये जो ए टर्मिनल है ये पॉजिटिव से कनेक्ट होता है या पॉजिटिव होता है देन द डायोड डी वन ठीक है ये जो आपका डी वन डायोड है इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसका जो पी टाइप है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है इन द सेंस डायोड डी वन इज़ इन द फॉरवर्ड वाइज ये क्या है फॉरवर्ड वाइज में है एंड डी टू एट दिस टाइम एट दिस इंस्टेंट डी टू इज़ रिवर्स वाइज बिकॉज बी टर्मिनल इज़ नेगेटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव डी टू ठीक है डी टू के पॉजिटिव से कनेक्ट है सो डी टू इज़ इन द रिवर्स बाइज ओके एट दिस टाइम वेन एवर डी वन इज़ इन द फॉरवर्ड बाइज सो यहाँ से करंट फ्लो होगा बट यहाँ से नहीं होगा ओके okay. तो हम हमने ये जो आर एल ये क्या है आपका लोड रेजिस्टेंस ये इन दोनों के बीच से क्यों कनेक्ट किया है अगर आप डी वन और डी टू इसके बीच में यहाँ पर आर एल लगाते लोड रेजिस्टेंस लगाते तो ये फॉरवर्ड बाइस और ये रिवर्स बाइस तो दोनों में करंट एक दूसरे को ऑपोजिट हो जाता है और मिलता ही नहीं इसीलिए हमें जो लोड रेजिस्टेंस है या जो आउटपुट के लिए रेजिस्टेंस है वो यहाँ लगाना पड़ा ठीक है इसके थ्रू क्या होता है ये जो फॉरवर्ड बाइज़ का जो करंट होगा वो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप करेगा ओके okay, ये वाला जो पॉइंट है ये रिवर्स वाइज तो यहाँ तक आते आते वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही अब ये आपने जो लोड रेजिस्टेंस लगाया है उससे बोलते हैं सेंटर टैप रेजिस्टेंस या सेंटर टैप ट्रांसफार्मर ठीक है क्यों क्योंकि ये इन दोनों डायोड के सेंटर से कनेक्ट हुआ है और सेंटर के थ्रू हमने इसे इस तरह से ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया ओके तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है ओके okay, जैसे कि अगर आप इसका पाथ देखें पाथ देखिए जैसे करंट या वोल्टेज गया ए के थ्रू गया डी वन से हो गया है फिर यहाँ से इस वे में आर एल के थ्रू अगेन देन सी टी ठीक है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर के थ्रू अगेन ए पर आया तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट हुआ एंड आपको करंट मिला तो फर्स्ट वाला जो केस है उसमें आपको फॉरवर्ड वाइज मिला और फॉरवर्ड वाइज का जो वेव फॉर्म है वो इस तरह से ठीक है ये आपका एट पॉइंट ए जब पॉजिटिव होगा एंड नाउ अगर आप ए को नेगेटिव करें सो बी टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और बी टर्मिनल पॉजिटिव है सो पॉजिटिव डी टू से कनेक्टेड है सो डी टू जो सेकेंड डायोड है इट इज़ इन द फॉरवर्ड बाइस देन डी वन इज़ रिवर्स वाइज जब डी टू फॉरवर्ड बायस में होगा देन डी वन इज रिवर्स वाइज तो इस तरह से ये फॉरवर्ड वाइज हो गया आपका और डी वन उसी टाइम रिवर्स वाइज में होगा ओके okay? नाउ अब आपको आउटपुट किस तरह से मिलेगा तो जब आपका D1, D1 वन फॉरवर्ड वाइज में होगा तो आपको इस तरह से आउटपुट मिलेगा ठीक है अगेन D1 वन फॉरवर्ड वाइज में हुआ सो so D2 टू रिवर्स वाइज में खत्म उसका काम D1 का काम नाउ D2 जब फॉरवर्ड वाइज में होगा सो so अगेन आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा ठीक है तो इस तरह से कंटिन्यूसली आप वोल्टेज को गेन कर पाएंगे फुल वेव रेक्टिफायर का जो मेन इंटेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है वोल्टेज को गेन करने में ठीक है हाफ वेव रेक्टिफायर में काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है ठीक है ठीक से आपको वोल्टेज मिल नहीं पाता बट फुल वेव रेक्टिफायर में कंटिन्यूसली वोल्टेज मिल रहा है ओके सो so, हम इजीली एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में यहाँ आप आर एल जो लोड रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में कैपेसिटर भी लगा सकते हैं कैपेसिटर के थ्रू आपको और भी ज़्यादा बेटर आउटपुट मिलेगा ओके सो so, ये है आपका फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर आप आई होप आपको ये दोनों रेक्टिफायर्स क्लियर हुए होंगे नाव हम नेक्स्ट वीडियो में फोटो डायोड सोलार सेल एंड एल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लास्ट टॉपिक होंगे इस चैप्टर के ओके सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप रनिंग थैंक यू सो मच